हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हमारे एक और पेशेंट जिनकी हमने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करी है क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस के लिए। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहिन सक्सेना है और मैं अमृतसर पंजाब से। ओके, तो दोस्तों इनकी जो समस्या थी वो थोड़ी सी डिफिकल्ट समस्या थी, क्योंकि इनको क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस, पैंक्रियास के डक्ट में स्ट्रिक्चर स्टोन, उसके साथ साथ इनकी जो बाइल डक्ट थी उसके अंदर भी रुकावट हो गई थी। तो आप अपनी जो प्रॉब्लम थी, कैसे शुरुआत हुई, क्या आपका इलाज चल रहा था, आप हम तक कैसे पहुंचे, उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताइए। लास्ट टू ईयर से मेरे को सडनली पेन स्टार्ट हुई, तो डायग्नोस हो नहीं पाया कि पेन क्यों है। तो फिर एक दो डॉक्टर्स चेंज अपने होम टाउन में किए, तो फिर आइडेंटिफाई हुआ कि मुझे क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस है। तो 2 साल पहले आपको पता चल गया कि क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस की समस्या है आपको। ओके, तो उसके बाद क्वार्टरली बेसिस पे मेरे को मतलब कि पैंक्रियाटाइटिस के अटैक आने स्टार्ट हो गए। क्वार्टरली बेसिस का क्या मतलब है? एवरी 3 मंथ्स? एवरी 3 मंथ्स। तो उस अटैक में जब आपको होता था तो क्या होता था आपको? बहुत सीवियर पेन होती थी जो यहाँ से ऊपर से स्टार्ट होके बैक पे जाती थी। ओके, तो उस केस में मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता था 2 to 3 days, एंटीबायोटिक्स चलती थी, देन डिस्चार्ज होके फिर मैं वापस आ जाता था। ठीक है, तो ये आपका जो चीज थी, प्रोसेस चले जा रहा था कि आपको बार बार में बार बार पेन होता था, एवरी 3 मंथ्स सीवियर पेन होता था, अपर एब्डोमेन में होता था, बैक की तरफ जाता था, उसके लिए आप हॉस्पिटलाइज होते थे, कुछ इंजेक्शन लगते थे, पेन रिलीफ होता था, फिर आप घर चले जाते। उसके बाद फिर आगे कैसे चीजें बढ़ी? फिर अक्टूबर में 2022 में मुझे बताया गया कि गॉल ब्लैडर के कारण मुझे अटैक्स आ रहे हैं। ओके, तो गॉल ब्लैडर मेरा रिमूव कर दिया गया। ओके, तो रिमूव करने के बाद फिर उन्होंने स्टंट प्लेस कर दिया बाइल डक्ट में, क्योंकि मुझे जॉन्डिक्स हो गया था जो हट नहीं रहा था। तो एक तरफ तो आपकी क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस की समस्या चल रही थी, दूसरा डॉक्टर्स ने बताया कि आपकी गॉल ब्लैडर में भी स्टोन है। तो उन्होंने, उनको ऐसा लगा कि शायद ये जो पेन है आपको, ये गॉल ब्लैडर स्टोन्स की वजह से हो सकता है रादर देन क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस। तो उन्होंने आपके लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करके आपके गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया। बट इसके बाद आपको जॉन्डिस भी होना शुरू हो गया, तो उन्होंने आपको ऐसा बताया कि ये पैंक्रियाटाइटिस की वजह से बाइल डक्ट की नली में सूखन आ गई है, और उसको फिर उन्होंने स्टेंट करना शुरू कर दिया। स्टेंट नवंबर से स्टार्टिंग हुई है, पहले उन्होंने बोला कि 3 मंथ्स तक रहेगी, तो उसके बाद फिर हुआ 3 मंथ्स के बाद जब उन्होंने स्टंट रिमूव किया, फिर ब्लॉकेज हो गई, फिर दोबारा स्टंट कह रहे कि नहीं 2 डालेंगे हम, 3 करके प्रोसेस इंक्रीज करेंगे ताकि जो आपकी वेन है वो ओपन डायलेटेड हो जाए। बट उस केस में क्या हुआ कि करते करते 7 to 8 times ये प्रोसीजर मेरा हो चुका था विद इन 10 मंथ्स के अंदर अंदर। तो आफ्टर दैट सडनली फिर मैंने सर्च कर रहा था तो आपकी वीडियो देखी, देन मैं डायरेक्टली अमृतसर से यहाँ पे आपके पास, आपको मोबाइल पे पहले मैंने कॉन्टैक्ट किया। तो सबसे पहले तो थैंक यू, आपने मतलब फॉर्म फिल करने के लिए मेरा केस स्टडी किया, देन मैं यहाँ पे आया हूँ। तो आपकी सर्जरी को अब कितने दिन हो गए? 1 week? 1 week हो चुका। आप कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। तो आपकी सर्जरी कैसी हुई है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की ओपन सर्जरी? लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो आप एक बार अपना पेन दिखाएंगे, थोड़ा सा शर्ट को ऊपर करके। तो दोस्तों अगर आप देखें, इन छोटे छोटे कट से हम इतना बड़ा ऑपरेशन, पैंक्रियास का ऑपरेशन और बाइल डक्ट का ऑपरेशन हम इन छोटे छोटे कट से कर देते हैं। अब नीचे कर लीजिए। जो इनकी समस्या थी, इनको क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस था, पैंक्रियास की नली के अंदर सिकुड़न आ गई थी जिसकी वजह से इनको दर्द होता था, और पैंक्रियाटाइटिस इतना सीवियर हो गया था कि उसने बाइल डक्ट की नली को भी ब्लॉक कर दिया था जिसकी वजह से इनको जॉन्डिस हो रहा था। ये बार बार अपनी एंडोस्कोपी कराते थे, स्टेंट्स डलवाते थे, स्टेंट्स ब्लॉक होते थे, स्टेंट्स चेंज होते थे, डॉक्टर्स कहते थे हम 1 स्टेंट डालेंगे, 2 स्टेंट डालेंगे, 3 स्टेंट्स डालेंगे, और बार बार ये हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे थे, परेशान हो रहे थे, एक इनको सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था। दोस्तों हमारे पास क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस के इलाज की लैप्रोस्कोपिक और ओपन सर्जरी का आई थिंक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हमारे पास पूरे इंडिया से, विदेशों से क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस को ट्रीट करने के लिए
पेशेंट्स अपनी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कराने के लिए हमारे पास आते हैं और हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप इनको देखेंगे तो देख के आपको इनको पता भी नहीं चलेगा कि इनकी इतनी कठिन समस्या थी कि पूरी पैंक्रियास के डक्ट को हमने लैप्रोस्कोपिकली खोला, उसमें भी एक स्टेंट डला हुआ था उसको रिमूव किया, बाइल डक्ट को हमने खोला उसमें से मल्टीपल स्टेंट्स को रिमूव किया, पैंक्रियाटिको जेजनोस्टमी, हिपैटिको जेजनोस्टमी जो कि बहुत बड़े ऑपरेशन है हमने इतने छोटे कट से कर दिए जिसकी वजह से इनको खास कोई पेन नहीं हुआ, इनकी रिकवरी बहुत फास्ट हो गई। और आज सुबह मैं आया तो मैंने देखा ये वार्ड में ऐसे टहल रहे हैं जैसे कि कोई इनका इलाज, कोई ऑपरेशन ही नहीं हुआ, उस तरह से इनकी फास्ट रिकवरी हो गई। तो आप आज से कुछ टाइम पहले अपने घर पे बैठ के किसी पेशेंट का जिसकी हमने क्या क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस की सर्जरी करी थी उनका वीडियो आप देख रहे थे, है ना, और आज आप इस सीट पर बैठे हैं और आप एक वीडियो बना रहे हैं। तो जो लोग दूर बैठे हैं, है ना, आप भी अमृतसर से दिल्ली में आए फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज में, तो जो लोग इंडिया के छोटे शहरों में है, कोई महाराष्ट्र में है, कोई बिहार में है, कोई झारखंड में है, कोई वेस्ट बंगाल में है, तो जो घर पे बैठ के जिनको क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस की समस्या है और वो ये वीडियो देख रहे हैं आपका, तो उनको आप कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, ऑब्वियसली अगर आप लोगों को सेम प्रॉब्लम है, अगर आप सेम कंडीशन से मतलब की जूझ रहे हैं, तो इधर उधर जाने की कहीं जरूरत नहीं है, वन टाइम सोल्यूशन है इसका। तो मैं तो यही कहूँगा, सजेस्ट करूँगा, क्योंकि मैंने जैसे मुझे फेथ था, बिलीफ था, मैं डायरेक्ट इनके पास आया, किसी और हॉस्पिटल में नहीं गया। अगर मैं किसी और हॉस्पिटल में जाता तो माइंड मेरा डबल माइंडेड हो सकता। तो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें फेथ रखना चाहिए, तो फेथ रख के यहाँ पे आए, बिलीव करके आए, तो सब कुछ ठीक होगा। तो आप अपने आउटकम से हैप्पी हैं? बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर आपको क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस है, अगर आप इस बीमारी का वन टाइम सॉल्यूशन चाहते हैं, अगर आपके पैंक्रियाज में स्टोन्स बन रहे हैं, पैंक्रियाटाइटिस की वजह से और कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, अगर आपको बार बार ईआरसीपी स्टेंटिंग की जरूरत पड़ती है, अगर आपको पेट में बहुत तेज दर्द होता है, अगर आपको पैंक्रियाटाइटिस की वजह से कुछ पैंक्रियाज में सिस्ट बन गई है, सूगर सिस्ट बन गई है, तो आप हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए। आपके स्क्रीन पर लिखे गए नंबर पर आप अपनी रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम दिल्ली में फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज में काम करते हैं। ये हमारी टीम है, ये डॉक्टर नरोला हैं, ये डॉक्टर अंकिता हैं। हम एज ए टीम पूरे इंडिया के जितने सारे पेशेंट्स आते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस के, हम उन सबको ठीक करके हैप्पी करके वापस हम भेजते हैं। तो अगर आपको इस प्रकार की कोई भी समस्या है तो बेझिझक हमसे कॉन्टैक्ट करिए और हम कोशिश करेंगे कि हम आपको एक बेस्ट क्लिनिकल सर्जिकल आउटकम दें।